देखिए, दोबारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मुद्दा था कि हम पूर्णिया वासियों को दोबारा दिखा देना चाह रहे हैं कि हमारी पढ़ाई की पद्धति किस तरह से अलग है। इसके लिए हम बोलेंगे नहीं, बोलने से क्या फ़ायदा है। काफ़ी स्कूल्स सिर्फ प्रीच करते हैं, हम आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहते हैं कि हमारा वे ऑफ डिलीवरी, किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हाउ डिफरेंट वी आर फ्रॉम अदर स्कूल्स, हाउ वी बिलीव दैट चाइल्ड इज अ फोकल, हाउ चाइल्ड इज अ न्यूक्लियस ऑफ एवरीथिंग। इस चीज़ को हम कल दर्शाना चाहते हैं थ्रू एन एजुकेशनल एक्सपो। और मैं इसके लिए पूर्णिया के सारे वासियों को, द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ पूर्णिया, नॉट ओनली पूर्णिया, जहां पर भी आपका न्यूज चैनल चले, बिहार में से जहां जहां से लोग आ सकते हैं वो आए और देखें कि हमारा जो डिलीवरी मोड है वो किस तरह से एकदम अलग है, हम बच्चों को किस तरह से तैयार करते हैं। हर स्कूल बोलता है नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, पर एक्चुअली हाउ डू वी मेक इट प्रैक्टिकल, हम कैसे बच्चों को आगे लेकर आते हैं और हम बच्चों को कैसे तैयार करते हैं, ये दिखाना मेरा मकसद है। इसके लिए कल एक एजुकेशनल एक्सपो हमने ऑर्गेनाइज किया है और अदर वर्ड्स इट इज एन एजुकेशनल एग्जीबिशन विच विल टेल द एंटायर पब्लिक ऑफ पूर्णिया व्हाट इज आवर डिफरेंस एंड हाउ डू वी नर्चर आवर चिल्ड्रन। हम बच्चों को मोल्ड भी नहीं करते, हम बच्चों को नर्चर करते हैं, तो किस तरह से नर्चर करते हैं उसके लिए मेरी सारी टीम तैयार है। हम अपनी सारी टीम को लेकर आए हैं जिनको कि हमने हैंड पिक किया है, अलग अलग जगहों से हैंड पिक किया है। और मैं इस बात को भी नहीं मानती, जैसे यहाँ पर एक मिथ है कि अगर बिहार से लोगों को ले लिया तो शायद अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। बिहार से ही मैंने अच्छे अच्छे लोगों को पुल आउट किया है क्योंकि टैलेंट तो हर जगह ही बसा हुआ है, बीट बिहार, बीट केरला, एनी वेयर यू हैव गॉट टैलेंटेड पीपल। तो हमने जो है टैलेंट जो है अलग अलग जगह से पुल किया है, कुछ बिहार से लिया है, कुछ लोग हम यूएई से लेकर आए हैं जो कि एक्चुअली यहीं से, यहीं को बिलोंग करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने यहाँ पर इकट्ठा किया है ताकि यहाँ के बच्चों को दी बेस्ट हम दे सकें। तो मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि जैसे मैंने बोला आई बिलीव इन टीम वर्क, तो आज मेरी टीम आपसे बात करेगी, मेरी टीम आपको बताएगी कि हम क्या दे रहे हैं और हम कैसे अलग हैं। ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स हमारे सीनियर टीचर ने कवर किया है, मैं दो तीन बिंदुओं पर मैं पूरी पूर्णिया की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यहाँ पर बहुत सारे सीबीएसई स्कूल्स हैं लेकिन कोई भी सीबीएसई के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है। हम शुरू से ही अपने जो भी सीबीएसई के नॉर्म्स है वो सारी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो बिजनेस पर्पज़ के लिए खोल रखे हैं, बहुत मोटी मोटी रकम वसूले जाते हैं। हमारे जो चेयरमैन सर हैं डॉक्टर शफीक आलम सर, उनका मकसद यही है कि हम जो निम्न वर्ग के लोग हैं और जो मध्यवर्गीय लोग हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो शिक्षा है सभी बच्चों का अधिकार है, इस बात को मद्देनजर रख करके हम लोगों ने फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम रखा है ताकि सबको शिक्षा मिल सके, सारे बच्चों को शिक्षा मिल सके। हम यहाँ पर बच्चों को एज ए स्टार ट्रीट करते हैं, हम किसी भी बच्चे को कमजोर नहीं समझते हैं, हम बच्चों को एज ए स्टार की तरह ट्रीट करते हैं और हम उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान रखते हैं। हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं कराते बल्कि साथ ही साथ उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साथ ही साथ उनका किस तरह से बैठना है, किस तरह से खाना पीना खाना, ये सारी चीज़ों पर हम ध्यान रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, यानी बच्चा जब एक बार हमारे साथ जुड़ता है तो वह उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होकर के, उसका संपूर्ण विकास होकर के ही बच्चा यहाँ से जाता है। And we had a very good relation, and she brought me here. And whatever we did there in Abu Dhabi is under Ministry of Education, and it was an international school, high level quality we are maintaining. The same thing we are going to follow in our Sahara Advanced World School. So we want to do something for this Purnia. We want to do something for this Bihar. So we all are here, and very good faculty members we have. And mainly, I am very happy to inform you that I will be the grade 1 class teacher. I love the children very much. And one more thing I want to tell you. If the infrastructure facilities are, which is such a huge building, or whatever facilities they give, without giving the proper basic education, then what is the use of the school? That we are giving here in the Sahara Advanced World School, the primary level education from the kindergarten level to the primary, and we will be giving the proper base to the kids. So we know that today digitally we develop so many things, so our target is how to aware the students of digitally. So jo acha lagega yahan pe student ke sath student ko padhane ke liye
डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज सिखाने के लिए जो उनको इन फ्यूचर काम में आए। सबसे पहले मुझे अपना परिचय बताने के लिए मौका देने का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संजू ठाकुर और मैं 13 साल का अनुभव रखती हूँ पढ़ने का। मैंने हिंदी से मास्टर डिग्री प्राप्त कर रखा है और साथ में बीएड और एनटीटी की भी योग्यता प्राप्त करके रखती है। मैं पूर्णिया से हूँ और मेरे हस्बैंड इधर ही संस्कृत पढ़ाने के लिए यहाँ आएंगे, किसी कारणवश वो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है। और मेरे ससुर जो पूर्णिया के जाने माने टीचर के नाम से जाने जाते हैं, उनका नाम मोती कुमार ठाकुर है। शायद उनको यहाँ के सभी वासी जानते हैं, वो 75 ईयर्स ओल्ड के हैं लेकिन अभी भी वो उसी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं और उनके पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर ITN सभी विभागों में उपस्थित हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम श्रुति झा, आई एम BSc BEd एंड प्रेजेंटली आई एम टेकिंग साइंस एंड EVS क्लासेस ओवर हियर। Along with being a science faculty, I am here as a section supervisor of grade 3 to 5 and an activity coordinator. Looking forward for a better future of this school. Thanks. नमस्ते आप सभी को, मैं अलका कुमारी सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल में हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ, साथ ही मैं थर्ड लैंग्वेज की शिक्षिका हूँ। और एज पर एज माई क्वालिफिकेशन मैंने MA BEd किया हुआ है। और हमारा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की हिंदी राजभाषा है, हम बच्चों को क्रिएटिव तरीके से यानी रचनात्मक तरीके से बच्चों को हिंदी की के प्रति रुचि प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर आलम है, मैं पिछले 10 सालों से TPS जद्दा सऊदी अरबिया में टीचर हूँ। ये मेरा 18वां साल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। मैं अपने इसी इलाके का रहने वाला हूँ, इसी सीमांचल का, खासकर कोसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। चूंकि मैं एक गांव का बच्चा हूँ, मैं अपनी गांव की ज़रूरतों को और इस समय की ज़रूरत को मैं समझता हूँ। इस हेतु अपने देश में ही बसना चाहता था और एक अच्छे जगह की तलाश कर रहा था, तो अब मुझे सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल के रूप में एक जगह मिल गई है जहाँ की मैं सेवा कर सकूँ और अपने ग्रामीण बच्चों के, अपने समाज के बच्चों के उत्थान के लिए अपना योगदान दे सकूँ। आई हैव डन माई BTech फ्रॉम सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी विच इज इन सिक्किम एंड आई वॉज ऑल्सो वर्किंग इन सेवरल MNCs कंपनीज इन दिल्ली एंड बैंगलोर एंड नाउ आई एम हियर इन सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल। आई एम परसुइंग माई BEd इन इंग्लिश। थैंक यू सो मच। एज अ फ्रेंच फैकल्टी इन अपर प्राइमरी शिक्षण, इसके अलावा छोड़कर मैंने MSc किया जियोग्राफी में कानपुर यूनिवर्सिटी। और मेरा बहुत सारे स्पोर्ट्स के मैंने एक कोर्स किया है, जैसे मैंने माउंटेनिंग कोर्स किया बेसिक कोर्स एंड एडवेंचर कोर्स, और मैंने स्विमिंग का भी कोर्स किया बेसिक कोर्स जिसको कहते हैं बिगिनर कोर्स। उसके बाद मैंने NCC बी होल्डर हूँ, सर्टिफिकेट मेरा बी होल्डर। आई एम सैयदा बेनज़ीर अहमद, आई एम अपॉइंटेड एज HOD साइंस ओवर हियर। आई हैव अ वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 7 ईयर्स। I am a resident of Purnia, but I was working in Dubai in CBSE school, Indian International School, Dubai, Silicon Oasis. And now I have been appointed here as HOD. I am MSc. And here in SOS, we don't believe on rote learning. Rather, we... मैं अपने बारे में बताऊंगा कि I am Mukesh Kumar, an IIT graduate from Kanpur. और यहाँ मैडम के स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैं आया हूँ। और पिछले 11 सालों से, लास्ट 11 इयर्स आई हैव बीन टीचिंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज इन गाजियाबाद फॉर द लास्ट 11 इयर्स। और मेरा हॉबी था कि खास करके साइंस और मैथ बच्चों को इंटरेस्ट के साथ पढ़ाऊं। और मैडम के स्पेशल रिक्वेस्ट पे, चूंकि मैं यहीं का रहने वाला हूं, फार्मेसी का रहने वाला हूं, तो अपने क्षेत्र के लिए मैंने चाहा कि यहां पे आऊं और यहां के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कर सकूं। मेरा नाम मनीष कुमार है, एक्चुअली मैं कटिहार से हूँ। मैं पिछले 5 साल से खुद कंस्ट्रक्टर चला रहा हूँ। मैं बेसिकली IIM वर्किंग एज एन एस टीचर, और मेरे इंस्टीट्यूट से काफ़ी बच्चे IIT JEE के पास आउट हो चुके हैं। और अब मैं ये सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल ज्वाइन किया हूँ और मैं आशा करता हूँ यहाँ से भी मैं अपना बेस्ट दे सकूँ, फिर बेस्ट दे सकूँ, ताकि और बच्चे यहाँ से भी निकल सकें। धन्यवाद। मेरा नाम सैयद जिशान हुसैन काजमी है। मेरा अगर टोटल एक्सपीरियंस देखा जाए तो 10 साल का है,
जिसमें मैंने 5 साल दुबई में काम किया है मल्टीनेशनल कंपनी में, और रेस्ट मैंने हर एक इंडिया की डिफरेंट कंपनीज में काम किया हुआ है, सारी की सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है। मैं बिलोंग करता हूँ स्टेट्स कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर। मैम ने इस सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल को जब बनाया, जब सोचा कि हम एक स्कूल बनाएंगे, तो उन्होंने सोचा इंडिया के हर एक कोने से फैकल्टीज हों, तो उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के फैकल्टीज लाई। तो मैं अभी 3 डिपार्टमेंट हैंडलिंग कर रहा हूँ, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं भाष्यति घोष, मैं फॉरवीजगंज से हूँ, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट और डांस की टीचर हूँ। धन्यवाद। एवरीवन, आई एम सुधांशु वर्मा, आई एम बेसिकली फ्रॉम कोलकाता एंड आई एम एम ए बी एड टीचर विथ 6 ईयर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम नारायणा स्कूल्स। आई एम हैंडलिंग ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ प्राइमरी सेक्शंस। थैंक यू। दीपिका आनंद, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश विद अ बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन। आई पजेस 5 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई एम हियर टू हेल्प माई स्टूडेंट्स स्पेशली इन स्पोकन इंग्लिश। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम ऑल्सो गोइंग टू हेल्प देम विद लाइफ स्किल्स एजुकेशन। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम अर्पिता चैटर्जी, आई एम वर्किंग एज ए डांस टीचर एंड KG फैकल्टी टीचर हियर। अर्लियर सिंस 2017 ऑनवर्ड्स आई हैड बीन एक्सप्लोरिंग द कंटेंट कल्चरल अक्रॉस वेस्ट बंगाल। मेरा नाम अंकित कुमार गुप्ता हुआ, मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ और मैं एज ए एडमिन कोऑर्डिनेटर अभी सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल में काम कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा स्कूल मतलब बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, और हमारा ये मतलब मैम जो हमारी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैम का बहुत ही अच्छा हमारा एजुकेशन, मतलब जिन्होंने मैम ने हमारे बहुत सारे टीचर्स को अच्छे जगह से लेके आए हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम वासुदेव रॉय है, मैं गेम टीचर हूँ स्कूल की। मैं फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल एंड एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो एंड इस तरह गेम में बहुत हूँ। मार्शल आर्ट मुझे आता है अच्छे से, और मैं नर्सरी टू 5 तक बच्चे को अच्छे से ट्रेन करना, जैसे उन लोग आज के ज़माने में बच्चे ज़्यादातर नर्सरी टू 5 बच्चे को गेम खिला नहीं सकते। मैं ऐसी 3 कंपनी जैसे गुरुकुल, स्पोर्ट अथन एंड एड स्पोर्ट्स से ट्रेनिंग लिया हूँ बच्चे को सिखाने के लिए। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा नाम बिल्कुल विवेक है, मैंने म्यूजिक में प्रभाकर किया है और मास्टर कर रहा हूँ। मैं म्यूजिक टीचर के तौर पे हूँ, मैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेवल बजाता हूँ और मैं लिखता भी हूँ, कंपोज भी करता हूँ। आई एम चंद्रमा आरती, आई एम वर्किंग एज एन HOD ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट एज वेल एज academic coordinator. I'm an MSc MEd from mathematics. I have a teaching experience of 11 years. Here I'm taking classes of maths grade 6 onwards as well as physics for grade 10. Thank you. Priyanka, and I am B.Ed and I'm pursuing MA in English. Here I am working as an ECCA coordinator and we are working on child, not we are working on their critical skill, analytical skill, even we are working on their retention skill also. This is a completely new thing which we are going to introduce here and we are working on that. So I request you, please come tomorrow and see how we are nurturing our children. Thank you so much. Good afternoon, I am very happy to join this school as a guest teacher. I have done my B.Ed from CCS College. I have digital experience of my